प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो 21 जुलाई 2021 कक्षा 6 का है, हिंदी विषय के अंतर्गत। आज के जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनके बारे में आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 5 प्रश्न आए हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन पाठ की लेखिका का नाम लिखिए। जो बचपन पाठ है उसकी लेखिका कौन है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको बुक नहीं मिली है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस जो चैप्टर है बचपन वाला, इसका मैं PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, पहला क्वेश्चन, बचपन पाठ की लेखिका का नाम लिखिए। तो बचपन पाठ की लेखिका है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बचपन, ये पूरा चैप्टर आ गया। देखिए, इस जो चैप्टर की जो लेखिका है इसका नाम ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कृष्णा सोबती। ये देखिए, ये नीचे नीचे लिखा हुआ कृष्णा सोबती। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, बचपन पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा दूसरा जो प्रश्न है, बचपन पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा पर आधारित है, यानी ये जो पूरा चैप्टर है ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर देखते हैं। ये जो दूसरा चैप्टर है इसका उत्तर होगा, ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये संस्मरण है। ये जो पूरा चैप्टर है लेखिका के जो संस्मरण है उसके बारे में है। तो इसका उत्तर मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये रहा पेज, ये रहा दूसरे जो आप देखिए, ये अनुमान और कल्पना वाला जो प्रश्न है, दूसरा वाला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ संस्मरण। तो ये दूसरे का उत्तर है, ये है बचपन पाठ संस्मरण विद्या पर आधारित है। तो 2 क्वेश्चन देख लिए, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, आपके अनुसार लेखिका की उम्र किन के जितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखिका की उम्र दादी या नानी के जितनी हो सकती है, दादी या नानी के बराबर हो सकती है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने देखा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, लेखिका को इतवार की सुबह क्या काम करना पड़ता था, यानी हर इतवार को लेखिका क्या काम करती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है कि इतवार की सुबह जूते पॉलिश करना और कपड़े धोना ये आदि काम करती थी। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, इतवार की सुबह कपड़े धोती थी, जूते पॉलिश करती थी और ब्रश से उनको रगड़ती थी। ये जो चौथा क्वेश्चन, उसका आंसर ये है कि हर इतवार की सुबह जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना और जूतों को चमकाने का काम लेखिका करती थी। तो ये 4 क्वेश्चन देखे, अब लास्ट वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। हमारा लास्ट 5वां क्वेश्चन है, लेखिका को ओलिव ऑयल व कैस्टर ऑयल किस दिन पीना पड़ता था। तो देखिए, ये जो है इसका आंसर भी देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, हर शनिचर को, ये देखिए ये दे रखा है, हर शनिचर को ओलिव ऑयल पीना पड़ता था। ये इसमें ये दे रखा है, ये यहाँ पर हर शनिचर को उनको ऑयल ओलिव ऑयल कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो ये 5वें क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी के सभी प्रश्न जान के आंसर देखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही इसमें अगला वर्क आएगा, क्लास 6 के सारे संबंधित जो स्माइल का वर्क आएगा वो इस अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।